ऐसे प्लेस को हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी स्पीशीज़ फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जो भी प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज़ प्रेजेंट होती हैं उसको हम उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी कहते हैं ओके द थर्ड वन इज़ माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे प्लेसेस माइग्रेटरी बर्ड्स जो होते हैं वो बहुत दूर दूर की जगहों पर उड़कर जाते हैं क्यों बिकॉज ऑफ़ क्लाइमेट चेंज बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज क्वेश्चन नंबर टू इज ऑफ डिफरेंस सो द फर्स्ट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोसफेयर रिजर्व दोनों में डिफरेंस क्या है तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है इट इज़ द एरिया रिजर्व इन ए फॉरेस्ट ये जंगल में ही कोई ऐसा एक एरिया होता है जिसको हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं रिज़र्व करके रखते हैं वाइल्ड एनिमल्स के लिए बायोस्फेयर रिज़र्व क्या होता है ये एक बहुत बड़ा एरिया होता है ठीक है इट इज़ अ वेरी लार्ज एरिया विच इज़ ऑल्सो मेंट फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ़ द बायोडाइवर्सिटी ये बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए हम एक बहुत बड़े एरिया को प्रोटेक्ट कर देते हैं ठीक है इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द कल्चर ऑफ़ दैट एरिया अब उस एरिया में उस बायोस्फेयर रिजर्व में बहुत सारे ट्राइबल पीपल भी रहते हैं तो वो उस कल्चर को सेव करके रखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस ज़ू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो ज़ू होता है ज़ू एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर हम एनिमल्स को आर्टिफिशियल हैबिटेट देकर प्रोटेक्ट करके रखते हैं एंड वी ऑल्सो पुट दैम फॉर एन एक्जिबिशन ताकि लोग उनको आकर वहाँ देख सकें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहले भी हमने डिस्कस किया एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर हम वाइल्ड वाइल्ड एनिमल्स या वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करके रखते हैं ओके तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो एनिमल्स होते हैं वो अपने नेचुरल हैबिटेट में सर्वाइव करते हैं या रहते हैं पार्ट सी, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ एनिमल्स या प्लांट्स की ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जिनकी संख्या इतनी कम हो गई है कि अगर हमने उनको प्रोटेक्ट नहीं किया तो वो विलुप्त हो जाएंगी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ क्या होती हैं ये ऐसे एनिमल्स या प्लांट्स की स्पीशीज़ हैं जो पहले थी पहले इस दुनिया में थी लेकिन अब उनका कोई भी ऑर्गेनिज़म इस अर्थ पर प्रेजेंट नहीं है ठीक है या वो अपना हैबिटेट ख़त्म होने की वजह से ख़त्म हो गए या किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से वो विलुप्त हो गए हैं नेक्स्ट है फ्लोरा एंड फोना फ्लोरा एक ऐसी टर्म है मान लीजिए कोई पर्टिकुलर प्लेस है वहाँ पर जितने भी प्लांट्स प्रेजेंट हैं ठीक है थीके? तो उस एरिया के प्लांट्स को हम फ्लोरा कहते हैं और उसी एरिया के जो एनिमल्स होंगे एनिमल्स होंगे हम उनको फोना कहेंगे ओके क्वेश्चन नंबर थ्री डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द फॉलोइंग डिफॉरेस्टेशन का इन सब पर क्या प्रभाव पड़ेगा सो द नंबर वन इज़ वाइल्ड एनिमल्स बच्चों अगर जंगल ही नहीं होंगे तो जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनका नेचुरल हैबिटेट ख़त्म हो जाएगा ठीक है तो फिर वो क्या करेंगे फिर उनको मजबूरी में किसी दूसरी जगह किसी दूसरे जंगल में जाना पड़ेगा हो सकता है वो गाँव में घुस जाएँ शहरों में घुस जाएँ क्यों क्योंकि उनका नेचुरल हैबिटेट हमने ख़त्म कर दिया इन्वायरमेंट में डिफॉरेस्टेशन का क्या प्रभाव पड़ता है इन्वायरमेंट पे डीफॉरेस्टेशन का ये प्रभाव पड़ेगा कि क्लाइमेट जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा ओके ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो सकती है क्योंकि पेड़ नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन और ज़्यादा इंक्रीज करने लग जाएगा विलेजेस डिफॉरेस्टेशन का गाँव पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो विलेजर्स जो होते हैं ना बच्चों वो अपना ज़्यादातर जो फूड एंड फॉर्डर है वो जंगलों से प्राप्त करते हैं है ना जो जंगलों के आसपास रहते हैं और क्या होगा अगर जंगल नहीं होंगे तो बारिशें भी कम हो जाएंगी तो जो विलेजेस में किसान वगैरह हैं वो बारिश की कमी की वजह से अपनी फसलों को उगा नहीं पाएंगे तो वहां पर सूखे जैसे हालात भी पैदा हो सकते हैं और फिर गांव वाले क्या करेंगे फिर वो शहरों की तरफ जाना शुरू कर देंगे तो फिर शहरों की आबादी बढ़ा देंगे ठीक है सिटीज सिटीज में क्या होगा देखो डिफॉरेस्टेशन से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है ये हम सबको मालूम है ठीक है तो इसके कारण क्या होगा शहरों में पॉल्यूशन का लेवल भी धीरे धीरे इंक्रीज़ हो जाएगा और जो गाँव से लोग आकर शहरों में बढ़ रहे हैं तो शहरों की पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ कर जाएगी तो वहाँ पर और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं अर्थ अर्थ के ऊपर डिफॉरेस्टेशन का क्या प्रभाव पड़ सकता है तो डिफॉरेस्टेशन जो है वो अर्थ की जो अर्थ पर जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को कम कर सकते हैं ठीक है ये सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को भी ऑल्टर कर सकते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल कैन आल्सो भी चेंज्ड, ठीक है और क्या कर सक और क्या हो सकता है अगर जंगल नहीं होंगे तो जो सॉयल एक्सपोज हो जाएगी सॉइल इरोजन भी हो सकता है ओके और डेजर्टिफिकेशन भी हो सकता है हो सकता है कि वो जो सॉइल है वो बंजर हो जाए नेक्स्ट जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन पर डिफॉरेस्टेशन का क्या प्रभाव पड़ सकता है सो डिफॉरेस्टेशन विल मेजरली अफेक्ट द लाइफ ऑफ नेक्स्ट जनरेशन डिफॉरेस्टेशन का हमारी आगे आने वाली जनरेशन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है उनको अपने हर कदम पर प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है ठीक है जैसे कि क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हो जाएंगी ठीक है भोजन की कमी हो सकती है उनको क्लीन इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे आगे आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को उठानी पड़ सकती हैं अगर डिफॉरेस्टेशन ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहा तो क्वेश्चन नंबर फोर व्हाट विल हैपन इफ़ क्या होगा अगर इफ़ वी गो ऑन कटिंग ट्रीज़ अगर हम लगातार पेड़ों को काटते रहें तो हम लगातार अगर पेड़ों को काटते रहेंगे तो पॉल्यूशन बढ़ जाएगा जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा द चांसेस ऑफ द चांसेस ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर टू अकर विल इंक्रीज जो नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं उनका नंबर बढ़ जाएगा मतलब ज़्यादा होने लगेंगे वो वाटर साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाएगी क्या होगा अगर इफ़ द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज़ डिस्टर्ब अगर हम किसी वाइल्ड एनिमल के हैबिटेट को डिस्टर्ब कर दें डिस्ट्रॉय कर दें तो क्या होगा तो एनिमल्स से उनका नेचुरल होम छिन जाएगा ठीक है और वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगे हो सकता है कि वो एंडेंजर्ड हो जाए एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ जाए या हो सकता है कि जो एनिमल्स हैं वो अपने फूड और शेल्टर की तलाश में हम ह्यूमन्स पॉपुलेशन के अंदर घुसना शुरू हो जाएं। ओके नेक्स्ट है व्हाट विल हैपन इफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज़ एक्सपोज्ड, अगर सॉइल की टॉप लेयर एक्सपोज हो जाए तो क्या होगा अगर ऐसा हो जाए तो सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी पानी को अपने अंदर सोखने की जो क्षमता है वो ख़त्म हो जाएगी अपने अंदर रोक के रखने की क्षमता खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे इट विल लीड टू डेजर्टिफिकेशन क्वेश्चन नंबर फाइव का पार्ट है व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडायवर्सिटी हमको बायोडायवर्सिटी क्यों बचा कर रखनी चाहिए तो देखो बच्चों बायोडायवर्सिटी को कंजर्व रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसके लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए और किस लिए ज़रूरी है इन्वायरमेंट के लिए तो हमें बायोडाइवर्सिटी को एक्सटिंक्ट होने से बचा कर रखना है वाई protected एरियाज़ आर ऑल्सो नॉट कम्प्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल्स हमने बहुत सारे एरियाज़ को प्रोटेक्ट कर रखा है बड़े के बड़े जंगलों को हमने सुरक्षा देकर रखी है फिर भी वो सेफ़ नहीं है वाइल्ड एनिमल्स के लिए क्यों ऐसा इसलिए है क्योंकि उन जंगलों के आसपास उन प्रोटेक्टेड एरियाज़ के आसपास जो लोग रहते हैं वो अपने फूड और फॉर्डर फौर, के लिए समय से बीच बीच में समय समय पर जंगलों के अंदर जाते रहते हैं इसके कारण क्या है वहाँ जो वो वाइल्ड एनिमल्स हैं लोग समझते हैं कि उनसे उनको खतरा है तो वो उनको धीरे धीरे मारना शुरू कर देते हैं ठीक है और कुछ जानवर ऐसे हैं जिनकी हड्डियाँ जिनकी खाल बेच लोगों को पैसा मिलता है तो इसलिए भी वो उन वाइल्ड एनिमल्स को हंट करते रहते हैं सी पार्ट है सम ट्राइबल्स डिपेंड ऑन द जंगल हाउ कुछ ट्राइबल्स यानी कुछ जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं वो जंगल पर डिपेंड रहते हैं कैसे तो बच्चों जो ट्राइबल्स होते हैं ना जो जनजातीय लोग होते हैं वो अपना भोजन अपने जानवरों का भोजन इन सब चीज़ों के लिए जंगलों पर डिपेंड रहते हैं ओके यानी ये उनकी डेली रिक्वायरमेंट्स हैं रोज़ उनको अपने जानवरों को चारा देना है रोज़ उनको अपने लिए भी भोजन लेना है ठीक है जलाने के लिए लकड़ियाँ भी चाहिए तो ये हर छोटी छोटी चीज़ें जो उनकी रोज़ काम में आती हैं इन सब के लिए वो जंगलों पर डिपेंड रहते हैं डी पार्ट है इसका कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन और कंसिक्वेंसिस ऑफ डिफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ता है तो डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या हैं हम क्यों करते हैं डिफॉरेस्टेशन ताकि हमको खेती बाड़ी के लिए लैंड मिल जाए ताकि हमको घर और फैक्ट्रीज़ बनाने के लिए जगह मिल जाए ठीक है ओके और क्या है डिफॉरेस्टेशन के कारण नेचुरल कैलॉमिटीज़ लाइक फ्लड ड्रॉट एंड फॉरेस्ट फायर कई बार जंगलों में आग लग जाती है तो भी डिफॉरेस्टेशन हो जाता है कई बार बाढ़ आ जाती है सूखा पड़ जाता है तो भी डिफॉरेस्टेशन हो सकता है इसके असर क्या होंगे वॉट आर द कंसिक्वेंसिस कंसिसिक्वेंसिस क्या हैं डिफारेस्टेशन का एक तो ग्लोबल वार्मिंग ठीक है हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा तो मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन पोल्स जो पोल्स के ऊपर यानी साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे जो बर्फ के बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं वो पिघलना शुरू हो जाएंगे जिससे समुद्र के लेवल का पानी समुद्र के पानी का लेवल इंक्रीज कर जाएगा और क्या होगा सॉइल इरोजन हो, हो जाएगी ठीक है ना द टॉप लेयर ऑफ द सॉयल विल इरोड नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड डाटा बुक ये रेड डाटा बुक क्या है बच्चों ये एक ऐसी बुक है जिसमें हम सभी एंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स का एक रिकॉर्ड रखते हैं ठीक है इसको एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आई यू सी एन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इस बुक को मेंटेन करके रखती है वैसे तो हर कंट्री के पास एक रेड डाटा बुक होती है जिसमें वो अपने एरिया में अपने देश में या अपने स्टेट में जो भी एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनका रिकॉर्ड रखती है माइग्रेशन माइग्रेशन क्या है व्हाट इज़ माइग्रेशन सो माइग्रेशन इज़ अ फिनमिना ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें कुछ बर्ड्स की या कुछ अदर एनिमल्स की जो स्पीशीज़ हैं वो अपना हैबिटेट छोड़कर किसी दूसरे हैबिटेट में जाती हैं ड्यू टू द क्लाइमेटिक चेंजेस ड्यू टू फॉर ब्रीडिंग रीज़न या किसी और कारण के लिए वो अपने एक हैबिटेट को छोड़कर बहुत दूर किसी दूसरे हैबिटेट में चले जाते हैं तो इस फिनोमिना को हम माइग्रेशन कहते हैं ओके। okay. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर इन ऑर्डर टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड इन फैक्ट्रीज एंड फॉर शेल्टर्स ट्रीज आर बींग कंटिन्यूली कट फैक्ट्रीज फैक्ट्रीज में पेड़ों की बहुत डिमांड होती है जैसे कोई पेपर फैक्ट्री है ठीक है या ट्रीज़ का फर्नीचर के लिए भी बहुत यूज़ होता है ट्रीज़ का शेल्टर के लिए भी हम बहुत यूज़ करते हैं तो इन सब की डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है जिसके लिए पेड़ों को काटना पड़ रहा है तो आपको क्या लगता है कि इसके लिए पेड़ काटने चाहिए तो एक बात तो ये तय है कि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है तो हमारी डिमांड्स भी बढ़ रही हैं जिसके लिए हमको पेड़ों को काटना भी ज़रूरी हो गया है लेकिन अगर हम इस बात से बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखते कि सिर्फ पेड़ों को काटा काटा जाए अगर हम एक पेड़ काट रहे हैं तो उसके बदले में हमको चार या पांच पेड़ और लगाने चाहिए ताकि फॉरेस्ट्स जो हैं वो बने रहें ओके अगर पेड़ नहीं होंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग होगी रेनफॉल कम हो जाएगा क्लाइमेट में चेंज हो जाएगा सॉइल इरोजन हो जाएगी डिफॉरेस्टेशन हो जाएगी ठीक है डेजर्टिफिकेशन हो सकता है ये सारी प्रॉब्लम्स पेड़ों को काटने से पैदा हो जाएंगी तो इसलिए अपने डिमांड्स को पूरा करने के लिए अगर हमें पेड़ काटने हैं तो हमें उगाने भी चाहिए क्वेश्चन नंबर सेवन है हम अपने आसपास की लोकेलिटी में ग्रीनरी रखने के लिए किस तरह से योगदान दे सकते हैं तो इसका आंसर क्या है हमें कुछ ऐसे कैंपेन्स चलाने होंगे अपने दोस्तों के साथ मिलकर जिससे कि हम लोगों को जंगलों की इम्पोर्टेंस के बारे में जागरूक कर सकें और ऐसा करने के बाद हम क्या कर सकते हैं हम ये कह सकते हैं कि हर परिवार को एवरी फैमिली ईच फैमिली शुड प्लांट एटलीस्ट वन ट्री इन द मानसून मंथ जब भी बरसात का मौसम आता है तो एक पेड़ हर परिवार का मेंबर ज़रूर लगाए उससे ठीक है ना बरसात में क्यों लगा क्योंकि बरसात में बारिशें बहुत होती हैं और प्लांट्स को पानी की कमी नहीं होती दूसरा जब गर्मियाँ आ जाती हैं तो हमने जो प्लांट्स लगाए हैं हम उनको रेगुलरली वाटर देते रहें ठीक है और क्या कर सकते हैं हम जब भी हमारा कोई जन्मदिन होता है या हमारे मम्मी पापा की सालगिरह आती है या अपनी कोई किसी फ्रेंड का बर्थडे होता है तो ऐसे छोटे छोटे ओकेजनस पे हम अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को प्लांट्स नहीं गिफ्ट में ठीक है अब गिफ्ट में मिली हुई चीज़ का हम बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं तो जब हमको कोई प्लांट गिफ्ट में मिलेगा तो हम उसका बहुत अच्छी तरह ख्याल रखेंगे क्वेश्चन नंबर एट है एक्सप्लेन हाउ डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू रिड्यूस्ड रेनफॉल तो बच्चों डिफॉरेस्टेशन से बारिश पर क्या प्रभाव पड़ेगा देखो प्लांट्स जो हैं हम जानते हैं ट्रांसपिरेशन करते हैं अपने अंदर से वाटर वेपर्स को इन्वायरमेंट में छोड़ते हैं तो अगर ये ट्रीज़ नहीं होंगे तो इन्वायरमेंट में वाटर वेपर्स की जो मात्रा है वो बहुत कम हो जाएगी जिसके कारण क्या होगा क्लाउड्स नहीं बनेंगे क्लाउड्स नहीं बनेंगे तो रेन भी नहीं होगी इस तरह से रेनफॉल कम हो सकती है क्वेश्चन नंबर नाइन है फाइंड आउट अबाउट नेशनल पार्क्स इन योर स्टेट आइडेंटिफाई एंड शो दियर लोकेशन ऑन द आउटलाइट मैप ऑफ इंडिया हमारे अलग अलग स्टेट्स में कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं उनकी लोकेशन बताइए यानी स्टेट में कौन से स्टेट में क्या क्या मिलता है तो ये आपके सामने इंडिया का मैप है जिसमें कुछ नेशनल पार्क्स के बारे में बताया गया है ओके जो मेन नेशनल पार्क्स हैं हमारे इंडिया में उनकी लोकेशन और स्टेट के बारे में बताया गया है ओके तो ये आप यहाँ से देखकर यू कैन राइट एनी फाइव और सिक्स और सेवन एट नाइन टेन वॉट नंबर यू मे वॉन्ट ओके फाइव टू टेन आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर टेन व्हाई शुड पेपर बी सेव्ड पेपर को हमें क्यों बचाना चाहिए ठीक है क्योंकि बच्चों कम से कम आपकी बुक में भी इंफॉर्मेशन दी हुई है एक टन पेपर प्रोड्यूस करने के लिए हमें सत्रह पेड़ काटने पड़ते हैं सत्रह फुल ग्रोन पेड़ यानी जिस पेड़ को उस फुल ग्रोथ तक पहुंचने के लिए बीस 25 साल लगे हैं हम उसको एक झटके में काट देते हैं ठीक है तो हम पेपर बचाने के साथ साथ एक तरह से हम अपने पेड़ों को भी बचा रहे हैं तो पेपरों को हम रीसाइकल करें पेपरों को हमें रीसाइकिल करना चाहिए ठीक है री यानी जो भी हमने रद्दी इकट्ठी किया हम किसी रद्दी वाले को बेच दें उसको जलाएं बिल्कुल नहीं पेपर शुड नॉट बी बर्नड उसको जलाना तो बिल्कुल नहीं चाहिए इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ पेपर मतलब जब भी हम कॉपीज़ में लिखें मान लीजिए हम रफ़ कॉपी में लिख रहे हैं तो हम हर लाइन का यूज़ करें हर स्पेस का यूज़ करें क्योंकि रफ कॉपी में तो रफ कॉपी होती है स्कूल की कॉपी में तो आप सजाने के लिए एक एक लाइन छोड़कर लिख सकते हैं लेकिन रफ़ कॉपी कौन देख रहा है रफ़ कॉपी का तो हम इस्तेमाल अच्छी तरह से कर सकते हैं ना कुछ लोग तो मैंने देखा वो इतना पेपर सेव करते हैं कि वो हर स्पेस का उसमें इस्तेमाल करते हैं कहीं भी उनकी रफ़ कॉपी में कोई थोड़ा सा स्पेस खाली नहीं दिखता है तो इस तरह से हम पेपर को सेव कर सकते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द वर्ड पजल तो द फर्स्ट वन देखिए स्पीशीज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन ऐसी स्पीशीज जो एक्सटिंक्शन के कगार पे हैं उनको हम कहते हैं एंडेंजर्ड अ बुक कैरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एंडेंजर्ड स्पीशीज ऐसी बुक जो एंडेंजर्ड स्पीशीज की इंफॉर्मेशन रखती है उसको कहते हैं रेड डाटा बुक फाइव है कंसिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज डेजर्ट्स डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा डिफॉरेस्टेशन के कारण डेजर्ट्स बन जाएंगे अब देखते हैं अक्रॉस स्पीशीज विच ऐसी स्पीशीज जो अब इस दुनिया में नहीं है खत्म हो चुकी हैं ऐसी स्पीशीज को कहते हैं एक्सटिंक्ट नंबर थ्री स्पीशीज फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट किसी एक पर्टिकुलर हैबिटेट में जो कोई स्पीशीज मिलती है उसको बोलते हैं एंडेमिक एंड द लास्ट इज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन एन एरिया किसी एक एरिया में वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स जो मिलते हैं उनको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी सो इन दिस वे द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर हैज बिन फिनिश्ड